नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद असूरी जज सर इमिग्रेशन से। और दोस्तों, आज की ताज़ा खबर ये है कि कनाडा इमिग्रेशन में बहुत ही जल्द कुछ चेंजेस आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने थ्रोन स्पीच में कुछ अहम निर्णय लिए हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड, और वो इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्को मेंडेसिनो को पास करने वाले हैं जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए हैं। तो दोस्तों, कुछ डिसीजंस के बारे में हमें अगले हफ्ते तक शायद पता चल जाएगा, जिसके बारे में मैं वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। और अहम डिसीजंस जो हैं हमें 31 अक्टूबर तक पता चल जाएंगे। दोस्तों, सूत्रों द्वारा ये पता चला है कि बहुत ही, आपको मेरी स्माइल से पता चल गया होगा कि पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। दोस्तों, इमिग्रेशन कनाडा के लिए हमेशा ही बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और इमिग्रेशन से ही कनाडा को बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट मिलता है। तो इस बात को प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो बहुत अच्छे से समझते हैं, और उन्होंने हमेशा इमिग्रेशन से रिलेटेड पॉजिटिव डिसीजंस ही लिए हैं। तो इस बार भी हम सबको ये आशा है कि इस बार भी जो है इनके प्लान जो शेयर करने वाले हैं 2021 से लेके 2023 तक का, हमें इमिग्रेशन प्लान पता चल जाएगा कि कितना वो टारगेट कर रहे हैं। लास्ट टाइम उन्होंने जो टारगेट किया था कि 1 मिलियन लोगों को बुलाना था उन्होंने 3 सालों में, तो अब वो दोबारा से वो प्लान शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, पैंडेमिक की वजह से बहुत सारा असर पड़ा है ओवरऑल इमिग्रेशन पर, लेकिन इसके अराउंड और भी तरीके निकाले जा रहे हैं। तो इसके अराउंड डिसीजंस लेकर हमें वो बताएंगे कि इसका तोड़ वो क्या निकालने वाले हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, बायोमेट्रिक्स जो है वो नहीं हो पा रहे हैं पैंडेमिक की वजह से। मुझे पता चला है कि रिसेंटली बायोमेट्रिक्स काफ़ी कंट्रीज में खुल गए हैं, तो विच इज़ गुड, बट फिर भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। बहुत स्टाफ जो है वो घर से काम कर रहा है, विच इज नॉट मेकिंग देम प्रोडक्टिव। तो दोस्तों, इन चेंजेस के बाद, इन डिसीजंस के बाद हमें पता चल जाएगा कि कैसे ये स्पीड अप करने वाले हैं। एक बात मुझे और पता चली रिसेंटली कि स्पाउजल एप्लीकेशंस में उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, तो हर महीने 6,000 एप्लीकेशंस वो प्रोसेस करने वाले हैं, विच इज अ वेरी गुड डिसीजन। एंड जो भी अपने स्पाउस को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव डिसीजन है, तो वो अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, इमिग्रेशन से रिलेटेड इस तरह से मैं आप तक न्यूज़ पहुंचाता रहूंगा। अगर आपको किसी भी मैटर से रिलेटेड हमारी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।